हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की SST की वर्कशीट 46 करेंगे, जिसमें कि वर्कशीट की हेडिंग है नाथसीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। हिटलर ने किस तरह से जर्मनी पर राज किया, उसको चलाया, उसके शासन के बारे में सब कुछ इसमें जानकारी है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ बच्चों। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? आंसर है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संगठन बनाए। पहला, गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस। सेकंड है SS, यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस। तीसरा है सुरक्षा सेवा, SD। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाथसी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? आंसर है, नाथसी सोच के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों और यहूदियों को अवांछित लोग माना गया था। अवांछित लोगों को नाथियों द्वारा हटाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया मानचित्र में पहचानिए। आंसर है, हिटलर ने पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ पर आक्रमण किया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहूदियों के साथ नाथसी व्यवहार किस प्रकार का था? आंसर है, यहूदियों के साथ नाथसी व्यवहार बहुत बुरा था। नाथसी लोगों ने यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। नाथसियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी जीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। इस प्रकार यहूदियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसका उत्तर है, हमें अक्सर अपने आसपास लड़के तथा लड़कियों में भेदभाव किया जाना नजर आता है। हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अधिकार तथा आज़ादी दी जाती है। इसे दूर करने के लिए हमें लड़कियों को शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए। यदि लड़कियां शिक्षित और जागरूक होंगी, तभी वह अपने अधिकारों व सम्मान के लिए लड़ सकती हैं। तो ये थे इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन बच्चों। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।